नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों बात करेंगे आज एक बैंक के बारे में और इस पर्टिकुलर बैंक के टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, आगे के लेवल्स भी जानेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तुरंत वीडियो को देखते ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं, कई सारे बैंकों की मैंने बात करी है, एक्सिस बैंक की मैंने बात करी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करी है, आईसीआईसीआई बैंक की बात करी है, कई सारे बैंकों की मैंने बात करी है। अब मैं आज बात करने जा रहा हूँ इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक अगर आप बात करेंगे, ओवरऑल व्यू देखेंगे, अगर पूरा ओवरऑल व्यू देखेंगे तो देखिएगा इनका जो ये स्टॉक है, ये बैंक है, ये ओके टाइप बैंक है, यानी कि कहते हैं ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आने वाले टाइम में ये लोग सही तरीके से अपनी प्रोविजनिंग मेंटेन करते हैं और अपने एनपीएस को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो इनकी बैलेंस शीट के साथ इनके वैल्यूएशंस भी बहुत बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो मैक्सिमम स्टॉक हैं वो देखिएगा वो क्या हो चुके हैं, भाग चुके हैं। तो बहुत ही आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड का बहुत ध्यान रखना होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड के बेसिस पे ही आपको किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में जो बड़ा स्ट्रेस आएगा वो बैंकिंग सेक्टर पर ही आएगा। तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके अपना स्टेक क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव अपडेट है स्टॉक के लिए, वैल्यूएशन के लिए और बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी प्रमोटर्स अपने स्टेक को इंक्रीज करते हैं तो वो शो करता है, एक कॉन्फिडेंस शो करता है स्टॉक में और एक स्टॉक में वैल्यूएशन शो करता है, ग्रोथ एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं वो खुद भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बैंक में। द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द इंडसइंड बैंक प्रमोटर इन द प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैज इंक्रीज्ड मार्जिनली। यहाँ पे आपको धीरे धीरे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस समय कितना है, 16.56%, विच इज वेरी गुड। और अगर आप बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी फाइलिंग बाय द बैंक, प्रमोटर स्टेक एज परसेंटेज ऑफ टोटल वोटिंग राइट वॉज 15.2% फॉर द पीरियड ऑफ एंडेड फरवरी 18, 2021। तो देखिएगा पहले कितना था, 15.2% का था, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब आपको 16.56% देखने को मिल रहा है। तो ये जो इंक्रीमेंट है वो आपको छोटा देखने को मिल रहा होगा, बट धीरे धीरे अगर पिछले हाल फिलहाल की बात करी जाए, पिछले 6 महीनों की बात करी जाए, तो धीरे धीरे प्रमोटर्स ने क्या करें, अपने स्टेक को क्या करा है, इंक्रीज करा है। और आपको पता है उसी के साथ ही साथ स्टॉक में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और इसीलिए देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सारी बारीक डिटेल बताऊं। तो देखिएगा 31 दिसंबर 2020 को द स्टेक होल्डर प्रमोटर स्टूड एट 14.67%, पहले कितने थे दिसंबर 2020 में कितने थे 14.67%, देयर शेयर होल्डिंग एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग एज राइज इन 12.62% from 11.24% as December 2020। तो ये काफ़ी इंक्रीमेंट आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखने को मिल रहा है और आपको मंथली बेसिस पे भी देखने को मिल रहा है। द स्टेक ऑफ द इंडसइंड बैंक हैज़ इंक्रीज टू 3.94% फॉर द पीरियड एंडेड फरवरी 18, 2021। तो ये बहुत ही एक आपको पता है कि पॉजिटिव अपडेट होती है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी बैंक के लिए। तो ये हो गई आपकी जो पर्टिकुलर अपडेट है। अगर प्रमोटर आने वाले टाइम में भी अपना स्टेक क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, तो ये बहुत ही एक बेस बनाएगा स्टॉक के लिए और स्टॉक के वैल्यूएशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होती है। अब बात करते हैं कि देखिएगा आज अगर आप देखेंगे तो काफी क्वांटिटी यहां पे ट्रेड हो रही है। देखिएगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा स्टॉक है, जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए एक्सिस बैंक हो गया, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा स्टॉक है। तो अब बात करेंगे, देखिएगा इंडसइंड बैंक भी सेम कैटेगरी का स्टॉक है, इसमें ट्रेडिंग बहुत होती है एक पर्टिकुलर लेवल पे। देखिएगा जब भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो काफी बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं, तो काफी ट्रेडर्स इसमें एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 1,39,00,000 शेयर्स की क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है, जिसमें से 55 लाख शेयर्स
55 लाख शेयर्स अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी में उठाए गए, 39% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ये तो डे बाई डे के वॉल्यूम्स हैं, देखिए इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ट्रेडिंग इसमें होती है। जो की ट्रिगर्स हैं, रिसेंटली अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 700-500 रुपए का स्टॉक था और वहां से आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है, स्टॉक 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसका एक रीजन ये भी है कि इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट भी आया है, और अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफी बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये एक ट्रिगर होते हैं, एक तो रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, दूसरा नेट प्रॉफिट। लेकिन आने वाले टाइम में प्रोविजनिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रोविजनिंग जो बैंक मेंटेन करते रहेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग रहेगी और आने वाले टाइम में उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक देखिएगा अभी हाल फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो 800 रुपए के लेवल से देखिएगा आपको सीधा सीधा 1000 रुपए का लेवल देखने को मिला है, 1100 रुपए का लेवल देखने को मिला है। और अगर आप लोग कोविड-19 से समय से जानते हैं तो देखिएगा आपको पता है ये स्टॉक कितने लेवल पर पहुँच गया था, कितने कम वैल्यूएशन पर पहुँच गया था, और जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा है उनको बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट भी देखने को मिला, बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस भी देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे अगर ये चीज़ देखेंगे आप तो स्टॉक में अभी हाल फिलहाल में 1100 के लेवल से आपको गिरावट देखने को मिली थी और 1000 रुपए के लेवल तक आपको गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉक अभी क्या है, कंसोलिडेट हो रहा है। मार्केट के सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी वोलेटिलिटी बनी रहती है, लेकिन इस समय एक कंसोलिडेशन स्टॉक में काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो लॉन्ग टर्म व्यू में तो देखिएगा स्टॉक में आपको वैल्यूएशन देखने को मिलेंगे, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टॉक की बात करेंगे तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा RSI की। तो देखिएगा यहां पर 48 RSI आपको देखने को मिल रही है, मनी फ्लो भी देखने को मिल रहा है 40% के आसपास। तो देखिएगा दोनों ही ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक कंसोलिडेशन के जोन में है। कहां पर आपको लेवल्स पे फोकस रखना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, सपोर्ट है 1000 का, फिर 988 का। तो ये दोनों सपोर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने इफ यू आर ट्रेडिंग इन द इंडसइंड बैंक। और ऊपर की तरफ देखिएगा जो रेजिस्टेंस मैं मानता हूं, वो मानता हूं 1044 का, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस आपको ट्रेडिंग पर्पस से आपको दिमाग में रखने हैं। और अगर आप बात करेंगे बैंक की, अगर रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्कीनेस है आपके अंदर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका है, इंक्रीज है, तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में भी आपको 1200-1300 के लेवल 2 साल तक देखने को मिल सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इनके बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट होगा वैसे वैसे आपको स्टॉक में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट स्टॉक में रिस्क है, इस चीज को आपको अवॉइड नहीं करना है। काफी बेटर बैंक भी है लेकिन ट्रेडिंग पर्पस के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।